हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? धनश्री एकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूं। और प्राइमरी मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, और लास्ट ईयर भी कुछ आईपीओ ने बहुत कमाल के रिटर्न दिए गाइस। और इस तरह से अच्छे खासे रिटर्न मिलते रहे हैं पिछले साल में 2020 में, और काफी आईपीओ ने तो कमाल के रिटर्न दिए, बहुत धमाकेदार लिस्टिंग भी हुई और बहुत ही अच्छा मुनाफा दिया है। अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2021 में काफी आईपीओ आ रहे हैं, और उस आईपीओ में ये बार भी धमाकेदार लिस्टिंग होगी और लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा मिले, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। और कोशिश यही रहेगी सभी इन्वेस्टर ट्रेडर की कि कुछ ना कुछ इसमें जरूर बेनिफिट हो गाइस। सभी लोग यही अपेक्षा रख रहे हैं कि अभी जो इस साल में 2021 में नया आईपीओ आ रहा है उसमें अच्छा मुनाफा हो और अच्छा प्रॉफिट हो और लिस्टिंग गेन भी अच्छा हो। तो अभी आईपीओ की सीरीज में 2021 में बहुत नए नए आईपीओ आ रहे हैं, उसमें काफी आईपीओ आ रहे हैं जो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कौन से आईपीओ आ रहा है। पिछली बार मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अभी जनवरी के अंदर ये आईपीओ आ रहा है जो बहुत ही पावरफुल है, और वो पेंट इंडस्ट्री से है, और पेंट इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छे पैसे बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा कि काफी शेयर्स है जो पेंट इंडस्ट्री के है और बहुत अच्छे पैसे भी बने हुए हैं गाइस। तो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ गाइस, आप लोगों को जो आईपीओ आ रहा है वो है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। जी हाँ गाइस, इंडिगो पेंट्स लिमिटेड ये आईपीओ आ रहा है और बहुत ही जल्द आ रहा है गाइस। अभी हम जनवरी महीने में है 2021 में, और बहुत ही जल्द आ रहा है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस गाइस, ये बहुत ही अच्छा आईपीओ रहेगा। अब पेंट की दुनिया का आईपीओ, पेंट में आप सभी को पता है एशियन पेंट ने तो कमाल के रिटर्न दिए है, सालों साल बहुत अच्छा कमा के दिया है। उसी तरह से बर्जर पेंट हो या कांसाई नेरोलैक ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और पेंट इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा मुनाफा ही रहा है। और इंडिगो पेंट के बारे में इतना ही कहते हैं कि वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग पेंट कंपनी इन इंडिया, एंड इट्स टर्म ऑफ रेवेन्यू इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी इन डेकोरेटिव पेंट गाइस। सो पेंट इंडस्ट्री में फिफ्थ नंबर पे है, और कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स लाइक इनामेल्स, इम्यूलेशंस, वुड कोटिंग, प्राइमर्स, डिस्टेम्पर्स, पुट्टीज एंड सीमेंट पेंट। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स है और बहुत ही जानदार शानदार प्रोडक्ट्स है गाइस। ये पेंट की दुनिया में मुझे लगता है कि बहुत ही धमाकेदार ये आईपीओ होने वाला है, क्योंकि पहले एशियन पेंट ने तो इतने सालों में बहुत ही अच्छा मुनाफा दिया है। ये बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पेंट तो हमेशा चलता ही है और पेंट में मुनाफा भी अच्छा होता है और डिमांड हमेशा बनी रहती है गाइस। ये रहता है, और इनका जो नेटवर्क है वो टायर 1 सिटी में है, टायर 2 सिटी में है, मेट्रो में भी एज वेल है। और इनके तीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, वो इन जोधपुर में है, राजस्थान में कोची केरला में है, एंड पुडुकोटल में है जो तमिलनाडु में है गाइस। तीन जगह पे इनके फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और ये फर्दर आगे और एक्सपेंशन करना चाहते हैं और कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए ये वाटर बेस्ड पेंट भी ला रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए भी ये प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास है, डिफरेंशिएटेड इन प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट का। सो लार्ज प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है, वेल प्रूवन एंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस हो रहा है गाइस, और ये बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट ग्रोथ ये अपने दिखा रहे हैं अपने बिजनेस में। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है गाइस, इनके ब्रांड एम्बेसडर आपने देखा होगा एड में भी, MS धोनी जी है जो इनके ब्रांड एम्बेसडर है गाइस। बहुत ही जबरदस्त इनकी एड आप मीडिया में देखते होंगे या कहीं तो आपने देखा होगा, जो बहुत ही कलरफुल एड रहती है। MS धोनी ये इनको प्रमोट करते हैं गाइस, और इनका एक्सटेंसिव नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है जो बहुत ही पावरफुल है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनके पास है गाइस। कंपनी के प्रमोटर तो जालन फैमिली है, पूरी जालन फैमिली है, मिस्टर रहमान जालन, अमिता जालन, पराग जालन, कमला प्रसाद जालन, तारा देवी जालन, और ये सारे के सारे लोग जो है ये इनसे जुड़े हुए हैं। एंड हेलोजन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो इस कंपनी के प्रमोटर्स है गाइस यहाँ पर। और अब फाइनेंशियल की बात करते हैं गाइस, फाइनेंशियल पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फाइनेंशियल इसका देखिए 2018 का, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस आर फिगर्स आर ऑल इन मिलियंस।
तो 2018 से देखिए आप टोटल एसेट इनकी बढ़ती जा रही है मार्च 19 में, और एसेट बढ़ते गई है मार्च 20 में, और बढ़ते जा रही है अभी 30 सितंबर का देखिए तो भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है गाइस। तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ती जा रही है इनकी, कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट भी अच्छा खासा है। तो फाइनेंशियल मुझे अच्छा लगता है इसमें गाइस, कोई ऐसी परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू, सो नेट प्रोसीड फ्रॉम द इंडिगो पेंट्स आईपीओ विल बी यूज अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ये कंपनी ने बताया गया, टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपेंशन एट पुडुकोट्टई तमिलनाडु में, जो उनका एक्सपेंशन करना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, उसके लिए बेसिकली इनका फोकस है। टू परचेज टाइनिंग मशीन एंड मशीन के जो उनके चाहिए उनको, उसके लिए बेसिकली ये बढ़ाने की कैपेसिटी के लिए ये कर रहे हैं। रीपे टू सर्टेन बोरोइंग्स, कुछ बोरोइंग्स है इनकी सर्टेन, उसको पे करने के लिए ये कर रहे हैं। टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, सो कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बेसिकली हर किसी का रहता है गाइस, तो यही है। और आईपीओ डिटेल देखते हैं गाइस, बहुत खुशी हो रही है कि ये बहुत ही जल्दी आईपीओ आ रहा है, जनवरी 20, जी हाँ जनवरी 20 2021 को आईपीओ आ रहा है, और क्लोज भी तुरंत 2 दिन में ही हो रहा है। जनवरी 22 2021 को ये कंप्लीट हो जाएगा, 22 जनवरी को ये कंप्लीट होने जा रहा है, आईपीओ क्लोजिंग होने जा रहा है। बुक बिल्ट आई इश्यू आईपीओ है गाइस, ₹10 पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ की प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है, 1488 से लेके 1490 के आसपास पर इक्विटी शेयर्स ये प्राइस आईपीओ प्राइस है। 10 शेयर्स मिनिमम है यहाँ पे लॉट में, और मिनिमम क्वांटिटी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 10 शेयर्स का ही है, मार्केट लॉट भी 10 शेयर्स का है गाइस। सो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, ये जो आईपीओ का डिटेल मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है। अब ये टेंटेटिव टाइम टेबल देखते हैं, तो 20 जनवरी मैंने आपको कहा उसी दिन ये आईपीओ ओपन हो रहा है, क्लोज 22 को हो रहा है 2021 में, और अलॉटमेंट की जो बेसिक अलॉटमेंट की डेट है 28 जनवरी को गाइस, और इनिशियल रिफंड 29 जनवरी 2021 को होगा, और क्रेडिट ऑफ शेयर डिमेट में आपके 1 फरवरी का आएगा, और आईपीओ लिस्टिंग 2 फरवरी को होने वाला है गाइस। सो 2 फरवरी को तैयार रहो लिस्टिंग गेन के लिए। अब मिनिमम मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 1 लॉट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो 10 शेयर्स के लिए, जो ₹14,900 के आसपास है, और मैक्सिमम यू कैन बाय 13 लॉट, जो 130 शेयर्स का लॉट है, जो ₹1,93,700 का है। सो जो लोग आईपीओ गेन के लिए लेना चाहते हैं, उसे मुझे लगता है कि आईपीओ बहुत ही अच्छा रहेगा गाइस, क्योंकि ऐसा मुनाफा पेंट कंपनी में आज तक देते आया, और ग्रोथ कंपनी है, तो मुझे लग रहा है कि जो लोग आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहते हैं, उसे जरूर लेना चाहिए। ज्यादा नहीं तो 15-20% का लिस्टिंग गेन होगा, और अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी अच्छा खासा चल रहा है। मैं आगे आपको अपडेट भी दूंगा, जैसे जैसे आगे की डेट आती रहेगी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। इनके ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फेमस है, और कंपनी भी अच्छा ग्रोथ कर रही है, और पेंट इंडस्ट्री के शेयर्स ने अच्छे मुनाफा दिया हुआ है। सो इंडस्ट्री अच्छी है, कंपनी का कांस्टेंट ग्रोथ का यहाँ पर बता रहा है। सो मुझे लग रहा है कि लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करते हैं, तो उसमें और भी ज्यादा मुनाफा की संभावना बनती है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पर मैं कोई भी बाई सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। कोई भी ट्रेड करने से पहले आईपीओ लिस्ट आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर कीजिए, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो ये पेंट कंपनी है, आई लाइक इट दिस, अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सो अप्लाई करने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, बट फिर भी कोई भी डिसीजन लेने से अपने सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करिए। आइए, अगर सीखना चाहते हैं तो हम मुंबई से धनश्री एकेडमी से आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं। आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर होगा। अगर आप सीख के समझ के करोगे तो बहुत अच्छा आपके भविष्य में बेनिफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म के शेयर्स में। तो आइए सीखिए, समझिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।